हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम केमिकल रिएक्शन के पार्ट टू को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसी सीरीज़ की पहली वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाली वीडियो ठीक से समझ आ सके। और अगर पिछली वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अब देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो पिछले वीडियो तक हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। हमें पता है केमिकल रिएक्शन क्या है, सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन, उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और रिएक्शन नहीं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस ओ टू क्या देता है, मैं बना के एम जी ओ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, रिएक्टेंट इस साइड रखे है, ये क्या हमारे रिएक्टेंट, और ये क्या हमारा प्रोडक्ट। LHS से RHS विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल एरो, ठीक है, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन। LHS की तरफ कौन है, रिएक्टेंट है, RHS की तरफ कौन है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब ढांचा है ये एक तरीके से, जो केमिकल रिएक्शन है उसका, ठीक है। अब देखिए, आप हम सीखते हैं कैसे हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो 9th क्लास में वो क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वही लगता है इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई टोटल मास जो एलिमेंट का है वो हमेशा सेम रहेगा, जो इसका टोटल मास है वो हमेशा सेम रहेगा इधर, ठीक है। तो इसका मास कितना है टोटल, आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा कि हाइड्रोजन का कितना मास होता है, ऑक्सीजन का कितना मास होता है, ऐसे ही कैल्शियम का कितना मास होता है। तो ये चीज़ें सिखाई गई होगी, वही चीज़ें इधर लगानी है। तो इधर कितने मोल है इसके, इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर ऑफ कर देते हैं, बैलेंस हो गई है, ठीक है। यही तो चीज़ है, क्या करना है इसमें, देखिए ये इधर 1 था, इधर कितने एटम है इसके, एक एटम है। मैग्नीशियम का कितना एटम है, एक एटम है, मैग्नीशियम का इधर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, इधर 1 है, इधर 2 है, या तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो वो तो 2 स्टेप हो जाएंगे। इससे अच्छा इसको ही हाफ कर देते हैं हम, तो 2 इंटू 1 बाई 2 तो 1 आ गया, 1 इक्वल हो गया, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस करते हैं हम, आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले कुछ एक चीज़ें पॉइंट आउट कर लेते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या क्या होगा। पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट के अंदर, जितने भी रिएक्टेंट के अंदर एटम्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट के अंदर एटम्स प्रेजेंट है, दोनों को
दोनों के जो नंबरिंग है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें लिख लीजिएगा आप। तो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए ना हमारे, एलिमेंट्स रिमेन सेम। ठीक है, अब देखते हैं इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल हमारे पास है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हमें क्या दे देगा बना के, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये भी एक किस्म की सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अब इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड इक्वेशन के रूप में। तो जिंक को क्या लिख सकते हैं हम, Zn, इसका सिंबल है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4 फॉर्मूला। फिर जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, ZnSO4। हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसके इसी एग्जांपल की मदद से मैं आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो ये बहुत ध्यान से देखना, ये वाला एग्जांपल, एलिमेंट्स इधर लिख लीजिए, फिर एक लाइन लगा लीजिए, फिर LHS में जो रिएक्टेंट्स है उनको लिख लीजिए, मतलब कितने नंबर है उनके। ठीक है, फिर RHS में कितने नंबर है उनके वो लिख लीजिए, नंबर लिखने इधर, नंबर इधर भी नंबर लिखने हैं। एलिमेंट पहले लिखिए, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है पूरी इक्वेशन में, Zn है, H है, S है, O है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, Zn के LHS में कितने हैं, 1, और Zn के RHS में कितने हैं, 1, H के LHS में कितने हैं, 2, H के RHS में कितने हैं, 2, S के LHS में कितने हैं, 1, H के LHS में कितने हैं, 1, O के LHS में कितने हैं, 4, O के RHS में कितने हैं, 4। इफ नंबर इन LHS इज इक्वल टू नंबर इन RHS देन इट विल बी द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर LHS और RHS में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो। ठीक है, अब एक देखते हैं जो पहले से बैलेंस्ड ना हो, उस इक्वेशन को देखते हैं। ऐसी एक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं जो पहले से बैलेंस्ड ना हो। ठीक है, जैसे Fe प्लस H2O क्या बना के दे देंगे हमें, Fe3O4 प्लस H2। एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है LHS और RHS मिला के, Fe, H, देन O। ठीक है, Fe मतलब आयरन, आयरन के इस साइड प्रेजेंट कितने हैं LHS में, 1, आयरन के RHS में 3 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के LHS में 2 प्रेजेंट है, RHS में भी 2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के LHS में 1 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के LHS में RHS में 4 प्रेजेंट है। अब देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, बट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए RHS और LHS के।
ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम। तो शुरू में आयरन को लेते हैं, देखिए आयरन का इधर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 × 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब बची बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर LHS में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × E, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों साथ में ही तो है, तो ये तो बैलेंस हो गया, 4 is equal to 4 हो गया। ये 8 is equal to 2 तो नहीं होता, तो अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किस तरफ कम है, RHS की तरफ कम है, कितना कम है, 4 times कम है, तो 4 times कम है तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 4, ये कितना हमारे पास 3, ये कितना है 8, ये कितना है 4, तो हेंस 3 is equal to 3, 8 is equal to 8 एंड 4 is equal to 4, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, ये बैलेंस करने का तरीका सिखा दिया आपको और राइटिंग सिम, अब देखते हैं सिंबल्स कैसे लिखते हैं। सिंबल्स लिखने के लिए तो कोई ज़्यादा नोटेशन की ज़रूरत है नहीं, बस इनके लास्ट में जैसे यहाँ पे S लिख देते हैं तो सॉलिड, G लिख देते हैं तो गैसियस, वो चीज़ें बता देता हूँ, इसके लास्ट में लिखना होता है सिंबल, ठीक है, बस थोड़ा सा है, ये तो कुछ है नहीं ज़्यादा सिंबल वाला। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, स्टेट्स, सॉलिड का S, लिक्विड का G, गैस का ना लिक्विड का L और गैस का G, सॉरी गैस का जी, और भी कोई स्टेट होती है क्या? हाँ होती है ना, एक्वस का क्या होगा, AQ, ठीक है, ये 4 स्टेट्स होते हैं, इनके लिख दिए मैंने। अब देखिए कुछ है केमिकल रिएक्शंस है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, वो कौन सी होंगी, एक तो आप याद कर लीजिए इसमें रिएक्शन कैटलिस्ट पता आपको क्या आता है, कैटलिस्ट होता है जो इंक्रीज कर दे स्पीड को, ठीक है, वो हो सकता है टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, और रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें देखिए प्रेशर है, इस इक्वेशन में कोबाल्ट प्लस 2H2 340 ATM, ATM प्रेशर, ये हमें क्या दे देगा, CH3OH, ठीक है। ये कुछ है कैटलिस्ट के एग्जांपल्स हैं, तो आप आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे बैलेंस करने हैं हम इक्वेशन, कैसे हम उनकी स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं और कैटलिस्ट हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और चलो अगले वीडियो में मैं आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ये ऐसे वीडियो में करवा दूँ, ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी इस वीडियो में, तो अगली वीडियो में करवा देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई आपका डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।
थैंक यू।